बात गाउन नहीं है तुम्हारे पास? नहीं, मगर आपकी तारीफ। तुम्हारी माँ सोतेली माँ। माँ सिर्फ माँ होती है, सगी हो या सोतेली। ये ढोंग कितने दिनों तक रहेगा? ढोंग? हाँ, माँ बनने का ढोंग। आप सिर्फ अब्बा जी की दूसरी बीवी हैं और बस। तुम्हारे अब्बा की पहली बीवी, मेरा मतलब है कि तुम्हारी सगी माँ मौजूद है? नहीं। तो फिर इतनी नफरत क्यों इकबाल? मैं किसी की सौकर नहीं हूं, घर से भागकर नहीं आई हूं, और तुम मेरे बेटे हो, न सगे न सौतेले, सिर्फ बेटे। दिल से कह रही हूं, आजमा कर देख लेना। I do mean it. आप मेरे कमरे में क्यों आई हैं? तुमसे मुलाकात करने। रात को जब मैं आई तो तुम कहाँ थे? मिलने भी नहीं आए मुझसे? मैं सो गया था। अच्छा, आइंदा कभी झूठ मत बोलना। तुम्हारी आंखों की सुर्खी बता रही है कि तुम सारी रात जागते रहे हो। जी हाँ, आपकी आमद ने मेरी नींद उड़ा दी। कदर करती हूँ मैं तुम्हारी सच्चाई की। ये पहनोगे? दिखाओ। इतना सोबर तुम जैसे उम्र के नौजवानों पर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। जब 60 साल के बुढ़े हो जाओगे ना, तब पहन लेना। हटो, मैं तुम्हें कोई ड्रेस चूज करके देती हूँ। नहीं, मैं पहन लूंगा। कहा ना मैंने तुम्हें, इधर आओ। बल्कि तुम ऐसा करो कि ये पी लो। ये क्या है? शहद मिला पानी। सुबह निहार मुंह पीने से जिल पे निखार भी आता है और खून भी साफ करता है। उसके बाद दूध पी लेना। मैंने बादाम और खशखाश पीस कर इसमें मिलाए हैं। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी, जरूरत है। दिन रात मेहनत करते हो, जिस्मानी भी दिमागी भी, ताकत मिलेगी। पहले शहद पानी, उसके आधे घंटे के बाद दूध पीना। अब पी लो, शाबाश। ट्रस्ट मी, मैंने जहर नहीं मिलाया। प्लीज तंज मत कीजिए, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। खैर छोड़ो, पियो, शाबाश। और हाँ, ये बताओ कि तुम्हारे पास सारे इसी किस्म के ड्रेसेस हैं? कोई कलरफुल शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, कुछ भी नहीं है? ये चॉइस है तुम्हारी? नहीं, मेरी नहीं है, अब्बा जी की। तो फिर एक काम करो, अपने सारे कपड़े अपने अब्बा जी को दे दो। इस तरह के बदरंगे और आउट ऑफ फैशन उन्हीं पे सूट करेंगे। तुम्हारे लिए मैं खुद डिजाइन करूंगी सारे कपड़े, अपना नाप दे देना। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। मैंने भी तुम्हें माफ किया, अच्छी बात है। औलाद को अपनी गलती पर माँ बाप से माफी मांगनी चाहिए। मोहब्बत बढ़ती है, एतमाद मजबूत होता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने वालिद को क्या कहकर पुकारते हो? अब्बा जी? किस जमाने में रहते हो तुम इकबाल? अपने इर्द गिर्द का माहौल देखो, अपने स्टेटस देखो। अब्बा जी लाहौल वाला हो। अगर तुम भाई फेरू या पिंड दादन खान के बाशिंदे होते ना, तब तो वहाँ चल भी जाता। तो फिर क्या कह के बुलाऊं अब्बा जी को? डैडी। यूरोप और अमेरिका में बच्चे अपने वालदेन को उनके नाम से पुकारते, लेकिन चूंकि हम वहाँ नहीं रहते, इसलिए हमारे लिए मुनासिब है कि हम डैडी कहें, बल्कि डैड, ये ज़्यादा अच्छा है। तो आपको क्या कह के मुखातिब करूँ? मम्मी, बल्कि डैड के साथ
मॉम अच्छा लगता है। तुम मुझे मेरे नाम से भी पुकार सकते हो, हिजाब। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे मालूम है बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। वैसे आज कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कहीं नहीं। तो फिर उठ क्यों गए? सोते रहते, वैसे भी आज छुट्टी का दिन है। पुरानी आदत है, जल्दी उठ जाता। क्या मुसीबत है, तुम बहन भाई नौजवान हो या बुढ़ी रूह है, इंसान हो या परिंदे? हाँ, जब देखो सुबह सुबह उठ के चिड़ियों की तरह बैठ जाते हो, और वहां ज़ैनब और कुलसुम को देखो, बैठी आंखें पटपटा रही हैं। वो अब्बा जी जो हैं, फिर अब्बा जी, डैड क्या समझाया था? डैड कहो, फिक्र ना करो, तुम्हारे डैड को मैं समझा दूंगी, समझ जाएंगे वो। लेकिन तुम्हारे लिए ये है कि खुदा के लिए एंजॉय करो, अभी तुम्हारे एंजॉय करने के दिन है, वक्त वापस नहीं आता। वो अब्बा जी देर तक सोने को बुरी आदत समझते हैं। फिलहाल तुम्हारे एंजॉय करने के दिन है, सो एंजॉय करो, वरना गया वक्त वापस नहीं आता, पछताओगे। आप नो आर्गुमेंट, अच्छी तरह सोच लो, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। मैं आपसे एक बार फिर माफी मांगता हूँ अपने रवैये की। और मैं एक बार फिर तुम्हें माफ करती हूँ, ठीक है? दूध पी लेना, हम तुम्हारा नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। हाँ कहो। थैंक यू। मेंशन नॉट माय सन। डैड, अब्बा जी, डैड। खैरली भाई, आप आग का गोला ले आए घर में, आग का गोला, यही तो हैसियत एक थैले की नहीं छोड़ी आपकी दुल्हन ने, सुन रहे हैं आप? क्या हुआ, हुआ क्या? मेरी वो बेइज्जती की उन्होंने लड़कियों के सामने, के खुदा की पना, सुबान क्या के मैदान ही नहीं है, मुझे तो साफ साफ कह दिए कि मेरी जगह बावर्ची खाना है, लड़कियों के कमरे में दाखिले पर पाबंदी लगा दी, इतनी बुरी तरह से मुझे जता दिए कि मैं सिर्फ नौकरानी। तुम उसके पास गई क्यों थी? मैं तो ज़ैनब और कुलसुम को उठाने गई थी, वो पहले से वहां मौजूद थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हलीमा, ठीक हो जाएगा सब। भी नहीं नहीं हमारे घर में आई है, आस्ता आस्ता इस घर के तौर तरीके समझ जाएगी, वक्त लगता है ना, वक्त के साथ साथ आग ठंडी पड़ जाती है, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं खैरली भाई, उनके तेवर तो कुछ और ही मालूम होते हैं, एक मिनट में मुझे जलील कर दिया, अकेले में बुलाकर कुछ भी कह देती मैं बुरा ना मनाती, लेकिन लड़कियों के सामने मेरी बेइज्जती की, वो क्या सोचेंगी? पता है आपको, वो हंस रही थी, मेरा रोब खाक में मिला दिया, ना मेरी उम्र देखी ना मेरी वफादारी। होता है, होता है, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो, मैं समझा दूंगा उसे। जो समझाना है आज ही समझा दीजिए, पहले दिन ही बिल्ली मार देनी चाहिए, वरना वो शेरनी बन जाती है। बनेगी क्या, बन चुकी है। जी क्या कहा? कुछ नहीं, जाओ तुम, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो, जाओ, बेगम हो जाओ।
अरे बस कर दे रोती शक्ल। अरे पहले तू कमबख्त थी, अब नेक बखत हो गई है। तलाक के इस कागज को अपनी आजादी का परवाना समझ बेवकूफ। नहीं अम्मा, तुमने और जहांगीर ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरा घर उजाड़ दिया। अरे अक्ल की मारी है, शुक्र अदा कर तेरा पीछा छूटा उन भिकमंगों से। पहले की बात और थी, अब हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत दौलत है। अरे तू देखती तो जा, तेरे सर पे रिश्तों की बारिश होगी बारिश। अरे निगोड़ मारी, तुझ में क्या कमी है, जो कसर थी वो पूरी हो गई। पहले तू गरीब घर की थी, अब अमीर घराने की है। अरे तेरे लिए तो हम अपनी बराबरी वालों में रिश्ता ढूंढेंगे, पैसे वालों में। अरे तू हमें दुआएं देगी अहमक लड़की? नहीं अम्मा, मैं बर्बाद हो गई अपनी माँ के हाथों के भाई के हाथों। आए हाय, आए कुन सहन कहीं की। अरे जितना समझा रही हूँ उतनी दीवानी हो रही है। रोती रहे, कम वक्त मारी, खुद ही सबर आ जाएगा, खुद ही अकल आ जाएगी। और ये जो तलाकनामा है ना, इसे फ्रेम करवा के अपने गले में लटका ले। अरे हाथ में लिए क्यों बैठी है, जिंदगी बर्बाद हो गई इस कम वक्त मारी के हाथों। अरे अच्छे खासे खुशहाल बैठे थे हम यहाँ।